हेलो फ्रेंड्स, जय बालाजी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काश मैं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मीठी सेव। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाई है मैंने। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं मीठी सेव बनाना। इसके लिए मैंने 100 ग्राम यहाँ पे सेव ली है। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, जो सेवैयाँ बनाते हैं वही सेव है। और यहाँ पे हमने आधी कटोरी चीनी ली है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हो, मीठा ज़्यादा खाते हो तो। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। मोटा पैन ही यूज़ कीजिएगा इसमें। यहाँ पे हमने 2 चम्मच घी ऐड करना है। फिर हम इसमें सेवई ऐड कर देंगे। करीब 2 ग्लास मैंने यहाँ पे पानी लिया है। पानी को हम उबालने के लिए रख देंगे। इसे हिलाते रहिए, नहीं तो ये जल जाएगी। यहाँ पे हमने पानी लिया है। आप पानी की जगह पे दूध भी ऐड कर सकते हो। 2 ग्लास मैंने पानी लिया है। अभी हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे इसे। मिनट हो चुकी है फ्रेंड्स। अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी ज्यादा कम कर सकते हो। जैसे हम गेहूं के आटे का हलवा बनाते हैं ऐसे ही हमें बनाना है, लेकिन इसमें भूनते समय हमें ध्यान रखना है कि जल न जाए। हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम घी ऐड करेंगे। पानी की जगह पे आपको मिल्क ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हो। झट से बन जाने वाली स्वीट डिश है फ्रेंड्स। सो रेडी है गर्मा गर्म मीठी सेव, जिसे हम सेवइयां बोलते हैं। अब हम सर्व करेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, सर्व करते हैं हम मीठी सेव। झटपट से बन जाने वाली स्वीट डिश है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा बना के। आहा, क्या खुशबू आ रही है। हमने सेवइयां में ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया है, लेकिन गार्निशिंग में हम ऐड करेंगे। एक बार ये स्टाइल से जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स। झट से बन जाने वाली रेसिपी है और टेस्टी भी लगती है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा।